नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। गुस्से में शख्स ने घर की बालकनी से फेंका चीन का टीवी, लोग बोले गो चाइना गो, देखे वायरल वीडियो। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प और 20 जवानों की कुर्बानी के बाद अब देश भर में चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक लोग चीन के झंडे और चीनी सामान जला रहे हैं, साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले भी जलाए गए। देश भर के लोगों ने चीन के आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की अपील की। देश के कोने कोने पर चीनी सामानों को विरोध किया जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक शख्स ने घर की बालकनी में मेड इन चाइना टीवी फेंक दिया। सूरत में एक आवासीय सोसाइटी के निवासियों ने मिलकर चीनी उत्पादनों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए पत्रकारों के सामने चीन में निर्मित एलसीडी टीवी भी तोड़ा। सूरत शहर के वरखा इलाके में पंचरत्न गार्डन सोसाइटी के बाहर एक नोटिस चिपका हुआ है, जिस पर लिखा है, आज से हम चीन में निर्मित सभी उत्पादों का बहिष्कार करते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन का झंडा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें जलाई। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार से आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि गलवान घाटी में सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।